नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंतिम लेक्चर में हमने चर्चा की थी मध्य प्रदेश के जनजातियों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि आखिर जनजाति होती क्या है, उनका संवैधानिक प्रावधान क्या है और जनजातियों से आप बेसिकली क्या समझते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति की चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत जनजाति पाई जाती हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर उनका विस्तार रहेगा, उन सब चीज़ों को हमने देखा था। साथ ही साथ हमने कल मध्य प्रदेश की तीन सबसे बड़ी जनजातियों को विस्तारपूर्वक देखा था, जिसमें आपकी सबसे बड़ी जनजाति जो थी वो कौन सी थी, भील जनजाति। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, तो आपकी आती है गोंड जनजाति, और तीसरे नंबर पर आती है कोल जनजाति। तो भील, गोंड और कोल के बारे में कल हम देख चुके थे। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में दोस्तों बात करने वाले हैं कि अन्य जो बची हुई जनजातियां हैं भील, गोंड और कोल के अलावा, उन जनजातियों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन तीन जनजातियों के अलावा आज हमारी जो पहली जनजाति होगी वो होगी आपकी बैगा जनजाति। ठीक है, तो बैगा जनजाति के बारे में दोस्तों आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बैगा जनजाति जो है, इसका विस्तार कहाँ पे मिलेगा आपको, तो इसका विस्तार मिलेगा मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी इत्यादि जिले में, मतलब दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में दोस्तों इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, खासतौर से ये जो अमरकंटक वाला क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में आपको इनका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हमने बोला था कि भारत सरकार द्वारा तीन जनजातियों को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में तीन ऐसी जनजातियां मिलेंगी आपको जो भारत सरकार द्वारा क्या है, तो अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित की गई हैं। तो कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो वो होगी आपकी बैगा, सहारिया और भारिया। ठीक है, कौन सी होंगी, बैगा, सहारिया और भारिया। तो पहली जो जनजाति है उनमें से वो कौन सी रहेगी आज आपकी, वो रहेगी बैगा। तो बैगा जनजाति जो है भारत सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति रहेगी। इनकी उपजाति की बात करें तो उपजातियों में दोस्तों कौन कौन रहेगा, तो इनमें आएगा नरोतिया हो गया, भरोतिया हो गया, बिंजवार हो गया, कठमैना हो गया, रायमैना हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो बिंजवार जनजाति होती है, उपजाति होती है, इनकी स्थिति जो है सबसे अच्छी होती है और ये आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी सक्षम जनजाति या उपजाति मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इनमें विवाह की बात करेंगे तो विवाह कौन सा होता है इनमें, तो लमशैना हो गया, चढ़ विवाह हो गया, पैठुल विवाह हो गया, इत्यादि इनके विवाह होते हैं। नृत्य की बात करेंगे तो नृत्य इसमें कर्मा हो गया, रीना, परधोनी, शैला, शुगा इत्यादि। इसमें से दोस्तों याद रखना, जो लमशैन और चढ़ विवाह होते हैं ये ज़्यादातर आपकी जनजाति में कॉमन देखने को मिलते हैं। यदि भील जनजाति को छोड़ दें तो ज़्यादातर जनजाति में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही दोस्तों नृत्य की बात करें तो कर्मा हो गया, रीना हो गया, ये भी आपको यहाँ पर क्या है, सभी जनजातियों में लगभग आपको कॉमन नृत्य देखने को मिलते हैं। तो नृत्य और विवाह के बारे में आपको इतना नहीं सोचना है, केवल दो तीन जनजाति के बारे में याद रखना, और ज़्यादातर में जो विवाह होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, इनके अलावा इनके देवता की बात करें तो बूढ़ा देव ज़्यादातर जनजाति में आपको मिलेंगे, दूल्हा देव ये भी मिलेंगे, ठाकुर देव, ठीक है, ये इनके इत्यादि क्या होते हैं, प्रमुख देवता होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक वृक्ष होता है जिसको बोलते हैं साज का वृक्ष। क्या बोलते हैं, साज का वृक्ष बोला जाता है। ये जो वृक्ष होता है ये अत्यंत पवित्र वृक्ष माना जाता है इनके द्वारा, और इनकी ऐसी मान्यता होती है कि साज वृक्ष पर जो है इनके देवता का निवास स्थान होता है। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों एक झूमिंग खेती की जाती है, झूमिंग खेती के बारे में कल हमने चर्चा की थी आखिरकार क्या होती है ये, तो इनके द्वारा झूमिंग खेती की जाती है इसको बोला जाता है पोंडू, बेवार या फिर दहिया। तीन जो खेती है इनके नाम दिया जाता है, पहली हो गई आपकी पोंडू, दूसरी हो गई बेवार और तीसरी हो गई दहिया। ठीक है, ये क्या होते हैं, झूमिंग खेती के प्रकार होते हैं जो कि बैगा जनजाति द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो जनजाति होती है ये क्या करती है, ये जो खेत होते हैं ये खेत पर हल का उपयोग नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, खेत पर हल का उपयोग ना करके इसके अलावा और भी जो जैसे खुरचनी वगैरह हो गया और कुलाड़ी वगैरह हो गया, इन सभी औजारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनके अलावा क्या होता है कि ये जो धरती माँ को है काफ़ी पूजनीय मानते हैं और धरती माँ की पूजा करते हैं। इसी क्रम में दोस्तों ये क्या करते हैं, धरती पर हल नहीं चलाते हैं, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं धरती पर हल चलाना मतलब अपने माँ के सीने पर हल चलाने के बराबर होता है, तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं कि धरती पर हल नहीं चलाते हैं। तो ये बैगा जनजाति के बारे में कुछ आपको जानकारी हो गई। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बैगा के द्वारा, यानी जो बैगा जनजाति के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसको बोला जाता है दा बैगा। क्या बोला जाता है, द बैगा नामक एक बुक है जो कि एक राइटर थे वैरियर एल्वेन, कौन, वैरियर एल्वेन द्वारा बुक लिखी गई है। तो एक चीज़ एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है कि जो द बैगा बुक है वो किस राइटर के द्वारा लिखी गई है या फिर इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक रहेंगे दोस्तों वैरियर एल्वेन। ठीक है, कुछ तीन चार बुकें रहेंगी दोस्तों जो आपको याद करनी पड़ेगी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यदि हम कल की बात करें तो कल हमने पढ़ी थी कौन सी, भील जनजाति के बारे में, तो भील जनजाति के बारे में एक बुक थी दोस्तों, कौन सी, द
भील, और उसके राइटर कौन थे, तो उसके राइटर थे टीवी नायर। ठीक है, कल के लेक्चर में मैं उसकी चर्चा भी की थी। तो टीवी नायर जो थे वो किसके, द भील बुक के जो है वो राइटर थे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों कल एक बुक और थी आपकी जिसकी हमने चर्चा की थी, वो कौन सी थी आपकी, जो घोटल जो प्रथा होती है, यानी जो गोंड जनजाति में जो घोटल प्रथा मनाई जाती है, घोटल प्रथा के ऊपर भी एक बुक लिखी गई थी। क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था द मुरिया एंड देयर घोटल। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी बैरियर एल्विन के द्वारा लिखी गई थी। तो बैरियर एल्विन के द्वारा दो बुकें लिखी गई हैं, पहली होगी आपकी द बैगाज और दूसरा होगी घोटल यानी गोंड जनजाति के ऊपर लिखी। तो बैरियर एल्विन दो जनजाति पर बुक लिखेंगे, एक होगी बैगा एक होगी गोंड। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आगे की जो जनजाति होगी हमारी वो कौन सी होगी अगली, वो होगी आपकी भारिया जनजाति। भारिया जनजाति की बात करें दोस्तों तो इसका विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है छिंदवाड़ा जिले में। आपने जो छिंदवाड़ा जिला देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर एक एरिया है जिसको बोला जाता है पातालकोट, और पातालकोट में दोस्तों यहाँ पर क्या है, भारिया जनजाति का निवास पाया जाता है। पातालकोट जो है दोस्तों, यदि इसको हम देखें तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो एक मुख्य धारा से या फिर समाज की मुख्य धारा से टोटल कटा हुआ क्षेत्र है। मतलब वहाँ पर आम आदमियों का जाना या फिर आम इंसानों का जाना एक तरीके से वहाँ पे वर्जित किया गया है, और हालांकि आजकल सरकारी निगरानी में वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन एक समय तक वहाँ पर जाना वर्जित था, क्योंकि वहाँ पे क्या है, भारिया जनजाति निवास करती है। और भारिया जनजाति जो है दोस्तों, इसको जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। मतलब ये जो जनजाति है दोस्तों, ये एक हद तक क्या करती है, तो ये इंसानों को भी कच्चा मतलब काट कर ये खा जाती है, या फिर इंसानों को भी ये मार डालती है। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनको जंगलियों का जंगली भी बोला जाता है, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी, यदि बात करें तो मुख्य शहर की धारा से ये लोग कभी नहीं जुड़े हैं। साथ ही साथ ये जो जगह है दोस्तों, ये क्या है कि आपका जो मुख्य जो स्थल भाग होता है उससे काफ़ी कटा हुआ है और उससे काफ़ी नीचे भी है। तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी है वो भी काफ़ी देर से पहुँचती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, तो भारिया जनजाति का जो निवास स्थान होगा वो कहाँ पे होगा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में भी पातालकोट। इसके अलावा दोस्तों इनको जंगलियों का जंगली भी बोला जाता है। ये जो है मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है आपकी भारिया जनजाति। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा घोषित ये पिछड़ी जनजाति भी है। तीन जनजाति थी, बैगा सहरिया भारिया, तो भारिया भी आपकी क्या है, भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जनजाति घोषित है। इसके अलावा दोस्तों ये जो भारिया जनजाति होती है, ये गोंडों को अपना बड़ा भाई यानी अग्रज मानते हैं। यानी जो गोंड जनजाति होती है, जो गोंड जनजाति को ये क्या मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, गोंडों को बड़ा भाई कौन सी जनजाति मानती है, तो वो मानती है भारिया जनजाति। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो विवाह होते हैं, विवाह कौन कौन से फेमस हैं यहाँ पे, तो लमसेना हो गया, मंगनी विवाह हो गया, विधवा विवाह इत्यादि इनमें प्रचलित हैं। उपजाति की बात करें तो दो प्रमुख उपजातियाँ हैं, एक है भूमिया, दूसरा है भुईधर। ठीक है, भूमिया और भुईधर इनमें जो है प्रमुख उपजातियाँ रहेंगी। कृषि की बात करें तो इनमें जो झूमी खेती की जाती है उसको बोला जाता है दहिया खेती। देखो ज़्यादातर जो जनजाति मिलेंगी दोस्तों आपको वहाँ पे झूमी खेती ही देखने को मिलती है, बस उनके नाम परिवर्तित होते रहते हैं। तो इतना याद रखना कि भारिया जो जनजाति है उसमें झूमी खेती को क्या बोला जाता है, तो उसमें बोला जाता है दहिया खेती। ठीक है, ऐसे ही बैगा के बारे में मैंने पढ़ा था, बैगा की जो झूमी खेती थी उनको क्या बोला जाता था, पोंडू, बेवार और दहिया भी बोला जाता था। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना ही है। नृत्य के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे नृत्य कौन सा होता है, तो नृत्य होगा शैलम, भड़म, कर्मा, शैला, अहिराई और बिरहा इत्यादि नृत्य इनमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो कर्मा नृत्य आपको यहाँ भी कॉमन मिलेगा, और इससे पहले की जनजाति में भी कर्मा नृत्य आपको देखने को मिला था। इसके अलावा जो गोंड जनजाति कल पड़ी थी वहाँ भी आपको कर्मा नृत्य देखने को मिला था। तो ठीक है, ये जो नृत्य होते हैं ज़्यादातर आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों इनके देवता की बात करें तो यहाँ पे देवता कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे देवता होंगे आपके दूला देव हो गए, ठाकुर देव हो गए, बूढ़ा देव हो गए, नारायण देव इत्यादि इनके देवता हैं। निवास स्थान दोस्तों बात करें तो इनका जो निवास स्थान होता है इनको बोला जाता है ढाणा। क्या बोला जाता है इनके निवास स्थान को, ढाणा या फिर ढाणा बोला जाता है, यानी जहाँ पर ये रहते हैं, ये कॉलोनी बना के रहते हैं। लगभग 20 से 25 घर जो होते हैं वो लगभग इनके क्रम में होते हैं, और उस पूरे कॉलोनी को क्या बोला जाता है, ढाणा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, हमने दो जनजाति के बारे में अभी तक पढ़ा है, एक हो गया बैगा और दूसरी हो गई भारिया जनजाति। आगे दोस्तों हमारी अगली जनजाति होगी वो होगी कोरकू जनजाति। यानी आगे हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम करेंगे कोरकू जनजाति के बारे में। तो कोरकू जनजाति जो है इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका विस्तार आपका जो भारिया जनजाति पाई जाती है लगभग उसी के समानांतर या उसके पास में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका होशंगाबाद हो गया, बैतूल हो गया, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा इत्यादि जिलों में इसको विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है,
तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है कि ये मैप में जब भी हम नाम लिखते हैं, आपको छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, शिवनी, तो आपको ये मैप में एकदम प्लॉट हो जाना चाहिए। यदि हम आपको छिंदवाड़ा बोल रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर आएगा, शिवनी बोल रहे हैं तो कहाँ पर आएगा छिंद, ठीक है, और बैतूल कहाँ पर आएगा। तो आपको सबसे पहले मैपिंग बहुत क्लियर होनी जरूरी है, इसके बाद आप जनजातियों को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो कोरकू जनजाति का विस्तार कहाँ पर होगा, तो होशंगाबाद हो गया, बैतूल हो गया, शिवनी हो गया और छिंदवाड़ा इत्यादि जिले में देखने को मिलता है। इनके जनजाति की बात करें तो जनजाति कौन सी होती है, तो इनकी जनजाति में दोस्तों मुख्य जनजाति कौन सी, उपजाति कौन सी होंगी, तो उपजातियों में इसकी पठारिया हो गई, मोताशी हो गई, बोवाई हो गई और दुलारिया हो गई। तो ये इनकी प्रमुख उपजाति रहती हैं। इनके निरत की बात करें तो यहाँ पे निरत होता है दोस्तों एक लमझना, सॉरी विवाह की बात करें तो विवाह कौन सा होता है, तो विवाह होता है लमझना। तो लमझना विवाह इनके यहाँ पे फेमस है, ये कई बार पूछा जाता है व्यापम के परीक्षा में, तो आपको याद रखना है लमझना विवाह जो है कौन सी जनजाति में की मनाया जाता है या फिर की जाती है, तो वो होती है आपकी कोरकू जनजाति में। इसके अलावा दोस्तों चिथौड़ा विवाह हो गया, हठ विवाह हो गया, इत्यादि भी फेमस हैं। नृत्य की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चटकोरा और खम्भस्वांग। चटकोरा और खम्भस्वांग जो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये कोरकू जनजाति के द्वारा किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक प्रथा होती है जिसको बोला जाता है शुडोली प्रथा। शुडोली प्रथा क्या होती है दोस्तों, तो शुडोली प्रथा कुछ नहीं होती है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि इनके यहाँ पे जो मृतक होते हैं, यानी जब भी कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको जमीन में दफनाया जाता है, और दफनाने के बाद दोस्तों उनकी स्मृति स्वरूप वहां पर एक खंभ का निर्माण किया जाता है या फिर वहां पर एक स्तंभ का निर्माण किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, शुडोली प्रथा बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर है कोरकू जनजाति के बारे में, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगली जनजाति जो है वो हुई आपकी शहरिया जनजाति। तो शहरिया जनजाति का यदि विस्तार बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर पाई जाएगी, तो ये आपकी हो गई शिवपुर हो गई, ग्वालियर हो गई, शिवपुरी हो गई, मुरैना हो गया इत्यादि, यानी जो उत्तरी मध्य प्रदेश है दोस्तों, उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कौन सा, जो चंबल वाला क्षेत्र जो रहेगा बेसिकली, वहाँ पर आपको शहरिया जनजाति देखने को मिलती है, खासतौर से ग्वालियर और शिवपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो शहरिया होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको जंगलों में निवास करने वाली जनजाति भी बोला जाता है, यानी शहर का मतलब ही होता है दोस्तों, शहरिया में जो आगे का शहर होता है इसका मतलब ही होता है जंगल, और मतलब जंगल में निवास करने वाली जनजाति को क्या बोला जाता है, तो शहरिया बोला जाता है, ठीक है। तो शहरिया का जो निवास है दोस्तों वो कहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको उत्तरी मध्य प्रदेश में। यहाँ पे नृत्य की बात करें तो नृत्य कौन से होंगे, लहगी हो गई, दुलदुल घोड़ी हो गई और नृत्य रागनी या इत्यादि इनके प्रमुख नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यदि यहाँ पे पूजा अर्चना की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के समान पूजा की जाती है, यानी जो हिंदू देवी देवताएं है होते हैं उन्हीं की पूजा लगभग ये कौन करते हैं, तो शहरिया जनजाति के लोग करते हैं। इनका जो आवास स्थान होता है उसको क्या, शहराना बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इनके आवास स्थान को, शहराना, जहाँ पर ये रहते हैं उसको शहराना बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ये जो शहरिया जनजाति होती है, जो कि ये जंगलों में निवास करती है, और जंगलों में क्या है, जड़ी बूटियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो ये जो जनजाति होती है ये जड़ी बूटियों में काफ़ी विशेष या फिर विशेष ज्ञान हासिल करने वाली जनजाति होती है, ठीक है, या फिर इनको जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञाता भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो अगली जनजाति के बारे में पढ़ेंगे जो रहेगी आपकी पनिका जनजाति, ठीक है। पनिका जनजाति के बारे में दोस्तों हम देखते हैं, तो पनिका जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाएगी, वो आपकी पाई जाएगी सीधी और शहडोल वाले क्षेत्र में, यानी जो सीधी शहडोल यानी आपका जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ आपको पनिका जनजाति देखने को मिलती है, ठीक है। और पनिका जनजाति दोस्तों क्या है, ये अपने आप को कबीरपंथी मानते हैं, क्या मानते हैं अपने आप को, कबीरपंथी मानते हैं, मतलब इनके यहाँ ऐसी मान्यता है कि आपने जो इतिहास में कबीर जी के बारे में पढ़ा होगा, तो वो जो कबीर जी हैं दोस्तों उनका जन्म इन्हीं के यहाँ पर हुआ था, ठीक है, यानी उनका जो लालन पोषण है उनका जन्म तो एक्चुअली उनकी ये केवदंतियाँ हैं कि वो कबीर जो थे तो वो क्या हुआ था, उनको एक नदी से प्राप्त किया गया था, यानी उन वो एक नदी में एक कोई दंपत्ति थी, तो वो उनको कहाँ पे मिले थे, नदी में बहते हुए मिले थे, ठीक है। तो वो वहाँ से उठा के लाए थे और उनने क्या किया था, उनका लालन पालन किया था, और वो जो जनजाति थी वो कौन सी थी, पनिका थी, इसी वजह से उनको पनिका को क्या बोलते हैं, कबीरपंथी या फिर कबीरा भी बोला जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो पनिका जनजाति है तो ध्यान रखना, क्योंकि कबीर जो हम जानते हैं कबीर कौन थे, एक बुनकर जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करते थे, यानी जो पनिका जनजाति होगी तो ये भी क्या करती है दोस्तों, ये वस्त्र बुनाई का काम करती है, क्या करती है, वस्त्र बुनाई का काम करती है। और ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहली बार जो वस्त्र बुना गया था वो किसके द्वारा बुना गया था, तो पनिका जनजाति के द्वारा बुना गया था, इसी वजह से इनको बुनका भी बोला जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखना, पनिका, पनिका से आप रिलेट करोगे किसको, कबीर जी को, और कबीर से आप रिलेट करोगे किसको, बुनकर को, और बुनकर से आपको क्या, वस्त्र बुनाई वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
होती है। ठीक है, इनकी यदि बात करें दोस्तों विवाह की, तो यहाँ पे विवाह कौन से होते हैं, तो लमसाना हो गया, घुसपैठिया हो गया, देवर भाभी विवाह इत्यादि इनमें होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो पूजा पाठ होती है इनके यहाँ पे, वो भी हिंदू देवी देवताओं के अनुसार यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है। पनका जनजाति के बारे में क्लियर है इतनी सारी बातें। अगली जनजाति जो है वो होगी आपकी खैरवार जनजाति। खैरवार जनजाति जो है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है, ये आपके दमोह हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, सतना हो गया इत्यादि क्षेत्र में पाई जाती है। यानी आपका जो कैमूर श्रेणी वाला क्षेत्र हो गया, कैमूर श्रेणी यदि आप बात करें तो आपका रीवा, पन्ना, सतना और छतरपुर, दमोह, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पे आपकी कैमूर पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो कैमूर पर्वत श्रेणी के पास दोस्तों आपको खैरवार जनजाति का निवास देखने को मिलता है। चूंकि कैमूर, हम ये जानते हैं कि कैमूर पर्वत श्रेणी वहाँ पे क्या है, लाख का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे कत्था बनता है। तो मतलब ये जो खैरवार जनजाति है वो क्या करती है, कत्था बनाने का कार्य करती है। यानी लाख से कत्था बनाया जाता है, किसके द्वारा, खैरवार जनजाति के द्वारा। तो खैरवार जनजाति के बारे में दोस्तों ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इतना याद रखना है कि ये कहां पर पाई जाती है और इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है। ठीक है, अगली जो जनजाति है दोस्तों वो होगी आपकी पारधी जनजाति। पारधी जनजाति जो है वो दोस्तों ध्यान रखना, शहर में रहने वाली जनजाति भी बोला जाता है इसको। शहर में मतलब ये जो जनजाति है इसका जो निवास स्थान है मुख्य रूप से कहाँ पे, आपको भोपाल, रायसेन, गुना, ठीक है, इत्यादि क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यदि बात करें तो कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वहाँ आपकी पारधी जनजाति देखने को मिलती है। और जो पारधी जनजाति होती है दोस्तों ये मुख्य रूप से आखेटक जनजाति होती है। आखेटक मतलब होता है शिकार करना। तो मतलब ये जो जनजाति होती है वो प्रमुख रूप से क्या करती है, शिकार करके अपना जीवन यापन करती है, और शिकार करना इनका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, तो आखेटक यानी शिकार करने के आधार पर इसमें कई सारी उपजाति में बांटा गया है। जैसे आपके हो गए भील पारधी, हो गए चीता पारधी, हो गए गोसाई पारधी, हो गए, ठीक है, इत्यादि आपको याद रखना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट केवल इतना ही रहेगा आपका कि पारधी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो आपके भोपाल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो इनका प्रमुख व्यवसाय रहेगा आखेट करना या फिर शिकार करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये आपने पढ़ा यहाँ पे किस तक के बारे में, तो पारधी जनजाति के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हम कोरकू, शहरिया, पनिका, खैरवार, पारधी जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं। अगली जो जनजाति रहेगी वो रहेगी हमारी बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति आपने सुना होगा, बंजारा जो है वो बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो राजस्थान वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे प्रमुख रूप से बंजारा पाए जाते हैं। ठीक है, और बंजारा का अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में इनका विस्तार कहाँ पर होगा, तो मध्य प्रदेश में निमाड़ हो गया, मालवांचल वाला क्षेत्र हो गया इत्यादि, यहाँ पे इनका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, निमाड़ में मतलब यदि खंडवा, खरगोन देख लें, और मालवांचल वाले प्रदेश में यदि अपन देखें तो वहाँ पे आपको रतलाम वगैरह देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको बंजारा जनजाति का निवास देखने को मिलता है। ये एक घुमक्कड़ जनजाति होती है दोस्तों, मतलब ये जनजाति एक स्थान पर निवास नहीं करती है। ये जनजाति क्या होती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती हुई अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, तो मकर जनजाति के रूप में कौन सी जनजाति को जाना जाता है, तो बंजारा जनजाति को जाना जाता है। साथ ही दोस्तों इसको कंघी का आविष्कारक भी बोला जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो कंघी का निर्माण किया या फिर जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये जो जनजाति होती है वो गुदना प्रिय और गहना प्रिय भी होती है। यानी इनको गुदना और गहना काफी ज्यादा पसंद होता है, और गहने के रूप में ये जो हाथी दांत के दोस्तों आभूषण होते हैं, हाथी दांत के जो गले में डालने वाले आभूषण, हाथ में पहनने वाले आभूषण होते हैं, उनका प्रयोग मुख्य रूप से ये लोग करते हैं। बंजारी की बात करें तो ये दोस्तों सिख धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, इन पर जो सिख धर्म है उनका प्रमुख रूप से प्रभाव रहता है। ठीक है, और इनके निवास स्थान को बात करें तो इनके निवास स्थान को दोस्तों टांडा या फिर बालद बोला जाता है। यानी जहां पर ये रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, टांडा बोला जाता है या फिर बालद बोला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इनके जो प्रधान होते हैं उनको क्या, सरदार बोला जाता है। आपने देखा होगा कई बार कबीर बंजारे, आपने कई बार मूवियों में भी देखा होगा जब बंजारे वगैरह होते हैं तो उनका जो प्रधान होता है उसको क्या बोला जाता है, सरदार बोला जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक और जनजाति है दोस्तों, प्रमुख जनजाति है, जो है आपकी कंबार जनजाति। कंवार जनजाति दोस्तों कहाँ पे पाई जाएगी, तो ये पाई जाएगी आपकी सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर वाले क्षेत्र में। और इसके बारे में केवल इतना याद रखना है कि ये जो जनजाति है वो आपकी मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति रहेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने बात की है मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले कल देखा था किसके बारे में, तो गोंड हो गए, ठीक है, भील हो गए, कोल हो गए इत्यादि के बारे में देखा था। आज के लेक्चर में बात करें तो आज के लेक्चर में हमने बैगा हो गया, सहारिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो अभी हमने बंजारा हो गया, ठीक है, और मतलब कई सारी इतनी जनजातियों के बारे में देखा है।
तो आपको मुख्य रूप से इतनी ही जनजातियों को याद रखना है। प्रमुख रूप से याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या होंगी, तो वो होंगी आपकी सबसे पहले उस जनजाति जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो उसका निवास स्थान कहाँ पर होगा, मतलब किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, और इसके अलावा यदि कोई उसमें विशेष फैक्ट अगर है तो वो आपको याद करना है, और इसके अलावा उनके कुछ प्रमुख नृत्य हो गए, वैवाहिक पद्धतियाँ हो गई, और वो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यदि कल के लेक्चर की बात करें तो कल के लेक्चर में हमने आपको ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति और जनजाति पाई जाती है तो अनुसूचित जाति के बारे में भी चर्चा की थी। मतलब सबसे पहले हमने देखा था अनुसूचित जाति और जनजाति में डिफरेंस क्या होता है, तो हमने मुख्य अंतर जो बताया था वो क्या बताया था कि जो अनुसूचित जाति होती है वो आपकी सामाजिक रूप से पिछड़ी होती है, साथ ही में ये अत्याचार यानी इन पर क्या हुआ है, कभी ना कभी इतिहास में इनके ऊपर अत्याचार किए गए हैं, और जिसके वजह से इनका सामाजिक विकास पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया है, तो वो आपकी कौन सी कहलाती है, तो वो कहलाएगी इस अनुसूचित जाति। मतलब ये जो जनजाति है वो समाज के बीच में तो रही है लेकिन अत्याचार के कारण वो अपना विकास नहीं कर पाए हैं। वहीं यदि बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो ये जो जनजाति है दोस्तों वो क्या होती है, ये भौगोलिक रूप से पिछड़ी होती है, मतलब इन पर यदि बात करें तो अत्याचार वगैरह ऐसी कोई बात इनके सामने नहीं आती है, लेकिन ये जो जनजाति वो क्या है, भौगोलिक रूप से पिछड़ी हुई है, जिस वजह से ये अपना सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं कर पाए। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, एक जनजाति आपकी भौगोलिक रूप से पिछड़ी है मतलब जो समाज की मुख्य धारा होती है उससे कटी हुई है, और दूसरी जनजाति क्या होती है, वो अत्याचार के आधार पर आपकी सामाजिक जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजाति के, सॉरी मध्य प्रदेश की जाति के बारे में। तो मध्य प्रदेश में यदि दोस्तों अपन अनुसूचित जाति की बात करें तो सबसे पहले इनकी यदि संवैधानिक स्थिति की बात करें तो इनकी जो अपना जो भारतीय संविधान है वहाँ पे आर्टिकल 366 के 24वें खंड में इसकी परिभाषा दी गई है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एससी की परिभाषा कहाँ पे दी गई है, तो एससी यानी अनुसूचित जाति की परिभाषा कहाँ पे, आर्टिकल 366 के 24वें खंड में दी गई है। इसका यदि विस्तारपूर्वक वर्णन बात करें तो वो आपको आर्टिकल 341 में देखने को मिलेगा, यानी 341 में आपको इसका विवरण देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनको संवैधानिक प्रावधान या फिर संवैधानिक दर्जा कहां पर दिया गया है, तो संवैधानिक दर्जा आर्टिकल 338 के तहत इनको दिया गया है। तो आपको एसटी या सॉरी एससी के मतलब जो जनजाति होती है, जाति होती है सॉरी अनुसूचित जाति, उसके बारे में तीन आर्टिकल प्रमुख रूप से याद रखने हैं, 366 का 24वां खंड, 341 और 338। इसके अलावा दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जाति जो है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% पाई जाती है, जो कि यदि संख्या में बात करें तो लगभग 1.13 करोड़ रहेगी। ठीक है, तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 15.6%, और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत हमने कल कितना देखा था, तो वो देखा था 21.1%। ठीक है, यदि बात करें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है दोस्तों वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जनजाति सॉरी अनुसूचित जाति देखने को मिलती है। यदि बात करें किस रूप में, तो संख्यात्मक रूप में, और संख्यात्मक रूप में लगभग 5.5 लाख जो जाति रहेगी वो आपकी अनुसूचित जाति कहाँ पे देखने को मिलेगी, इंदौर जिले में। इसके साथ ही दोस्तों उसी के पास लगा हुआ है उज्जैन जिला, और उज्जैन जिले में आपको प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार देखने को मिलता है, लगभग 26.37%। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। यदि अनुसूचित जाति की बात करें तो दो जिले याद रखना, एक होगा आपका इंदौर, दूसरा होगा आपका उज्जैन। इंदौर की बात करेंगे तो संख्यात्मक रूप में सबसे ज़्यादा, उज्जैन की बात करेंगे तो प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा। इसके बाद दोस्तों न्यूनतम कहाँ पे पाई जाती है, तो वहीं पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है उज्जैन के पास में झाबुआ जिला। तो झाबुआ जिले में दोस्तों सबसे कम जनजाति सॉरी अनुसूचित जाति की संख्या देखने को मिलती है, वो है आपकी 17,000। ठीक है, तो 17,000 जो अनुसूचित जाति की संख्या वो कहाँ पर रहेगी, तो झाबुआ जिले में रहेगी। वहीं झाबुआ जिलों में दोस्तों यदि संख्या परसेंटेज के रूप में बात करें तो प्रतिशत के रूप में भी सबसे कम जो अनुसूचित जाति है वो आपकी झाबुआ जिले में पाई जाती है, लगभग 1.7%। तो ये दोस्तों आपका अनुसूचित जाति के बारे में कुछ इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के बारे में हम देख चुके हैं, उनके अलावा कुछ प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ थी उनको भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, दो लेक्चर में हमने कवर किया है मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में। तो आप इनका अच्छे से अध्ययन कीजिए और काफ़ी अच्छे से रिविजन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।